Friends, my name is Sushil and welcome to the Atre Reviews. Casino, Goodfellas, Raging Bull, Wolf of Wall Street. ये सारी फिल्में देखने के बाद मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि जिस फिल्म के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ वो फिल्म मार्टिन स्कॉर्सेसी ने डायरेक्ट की है. फिल्म का नाम है ह्यूगो. तो इस फिल्म की कहानी एक छोटे बच्चे की है जो पेरिस के एक ट्रेन स्टेशन पर रहता है. ह्यूगो नाम का ये लड़का अपने पिताजी के डेथ के बाद उनका अधूरा सपना कैसे पूरा कर लेता है ये जानने के लिए ह्यूगो ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए. ह्यूगोस फादर वॉज ट्राइंग टू बिल्ड एन ऑटोमेटॉन. ऑटोमेटॉन इज आप इसको एक तरीके का रोबोट बोल सकते हैं. और ये ऑटोमेटॉन पूरा कंप्लीट करना ये उनका सपना था जो कंप्लीट होने से पहले ही वो उनकी डेथ हो जाती है. अब ह्यूगो को मजबूरन अपने अंकल के साथ इस ट्रेन स्टेशन के क्लॉक हाउस में रहना पड़ता है. बीइंग एन ऑर्फन ह्यूगो को बहुत सारी तकलीफ़ों के थ्रू गुजरना पड़ता है. लेकिन एक चीज़ उसे हमेशा करनी पड़ती है, किसी को ह्यूगो के उस ट्रेन स्टेशन पे रहने के बारे में पता ना चले. इसलिए उसे हमेशा इस चीज़ पे ध्यान रखना पड़ता है कि एक ह्यूज क्लॉक ठीक तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है. बाकी तो उसे अनाथ होने के वजह से बहुत सारी दिक्कतें आती है. सबसे बड़ी चीज़ होती है खाने की ज़रूरत वो कैसे पूरा करे. सो ह्यूगो एक इनोसेंट सा बच्चा बहुत ही इनोसेंट सी चोरियाँ करता है. लोकल फूड शॉप से वो फूड चुराते रहता है. ऑटोमेटॉन पे काम करते वक्त उसे कुछ पुर्जों की ज़रूरत लगती है. अब ये पुर्जे उसे कहीं से तो अरेंज करने हैं, लाने हैं. अब ये लाने के लिए ह्यूगो चला जाता है एक शॉप पे और वो सामान चोरी करने ही वाला होता है तभी एक बूढ़ा आदमी उसे पकड़ लेता है. ये प्लॉट पॉइंट से मेरा इस मूवी में इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया. बिकॉज दैट ओल्ड मैन इज नन अदर दैन द पर्सन हु मेड द फर्स्ट साइंस फिक्शन अ ट्रिप टू द मून. फर्स्ट फिल्म मेकर टू फाइंड द कनेक्शन बिटवीन ड्रीम्स एंड फिल्म्स. ही इज़ नन अदर दैन जॉर्ज मेलिस. अब ह्यूगो को पता नहीं है लेकिन जॉर्ज मेलिस यही है, वही है जिन्होंने ऑटोमेटॉन बनाने की शुरुआत की थी जो आधे में अधूरा रह गया. जॉर्ज मेलिस वॉज इनिशियली अ मैजिशियन हु गॉट फैसिनेटेड बाई द वर्ल्ड ऑफ फिल्म. ही वॉज द फर्स्ट वन टू बिल्ड अ वन ऑफ अ काइंड फिल्म स्टूडियो. ही यूज हिज मैजिक ट्रिक्स टू क्रिएट स्पेशल इफेक्ट्स इन फिल्म. जॉर्ज मेलिस को वर्ल्ड वॉर वन के बाद अपनी सेलुलॉइड फिल्म्स बेचनी पड़ी. दिस वॉज अ इमोशनल हिट फॉर मी इन द मूवी. मैं बहुत ही इमोशनल फील किया जब एक सीन आता है जिसमें जॉर्ज मेलिस को अपनी जो सेलुलॉइड फिल्म्स है वो बेचनी पड़ती है. और वो भी क्यों? क्योंकि लोग उस सेलुलॉइड्स को यूज़ करके फीमेल सैंडल्स, लेडीज़ के जो फुटवेयर्स होते हैं सैंडल्स, उसकी हील्स बना सकें. अब कहानी में ये जब प्लॉट पॉइंट आता है तो जॉर्ज मेलिस को जब से ये सेलुलॉइड फिल्म्स बेचनी पड़ी सैंडल के हील्स बनाने के लिए तब से वो बहुत ही डीमोटिवेट हो गए. उन्होंने अपने आप को एक डिसअपॉइंट में तरह देखना चालू कर दिया. ही जस्ट वैनिश्ड. वर्ल्ड वॉर के दौरान ये सब हुआ. लोगों को लगा कि जॉर्ज मेलिस मर गए इस वर्ल्ड वॉर में. और उन्होंने भी इस चीज़ को वैसे ही रहने दिया कि लोग ऐसे ही समझे कि वो मर गए. बिकॉज ही वॉज टू अफेक्टेड बाई द डिसअपॉइंटमेंट विच ही हैड टू फेस. वो एक टॉयस शॉप चलाते हैं जहाँ से ह्यूगो कुछ पुर्जे चुराते हैं. अपनी पत्नी के साथ रहते हैं और एक उनकी गॉड डॉटर है जिनकी वो परवरिश करते हैं जिसका नाम है इजाबेल. अब इजाबेल और ह्यूगो दोस्त बन जाते हैं. ह्यूगो इजाबेल को अपनी लाइफ की स्टोरी बता देता है. लेकिन असल मज़ा तभी आता है कि ह्यूगो और इजाबेल दोनों को जॉर्ज मेलिस का असल हसल पता नहीं है. लाइफ में उन्होंने कितना हसल किया है. इजाबेल इज़ अ बुकवर्म. वो ह्यूगो को एक बुक लाइब्रेरी लेके जाती है. वहाँ पे कुछ बुक्स पढ़ते वक्त उन्हें पता चल जाता है कि जॉर्ज मेलिस असल में कौन थे. वो फिल्म वर्ल्ड के एक जानी मानी हस्ती थे. और उन्हें ये भी पता चल जाता है कि फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग अभी भी जॉर्ज मेलिस को रिस्पेक्ट करते हैं. दे लुक एट जॉर्ज मेलिस एज अ पायोनियर इन द फिल्म वर्ल्ड. लेकिन ये बात जॉर्ज मेलिस को पता नहीं है. अब फिल्म की
हैप्पी एंडिंग होने ही वाली थी, तभी एक अलग ही कैरेक्टर है जो ट्रेन स्टेशन मास्टर है, जो हमेशा ऑर्फिन बच्चों को, अनाथ बच्चों को पकड़ते रहते हैं, एंड ही कीप सेंडिंग दीज ऑर्फिन्स टू ऑर्फिनेज। अब इस ट्रेन स्टेशन मास्टर को ह्यूगो के बारे में पता चल जाता है। अब ह्यूगो को भी जॉर्ज मेलिस के बारे में पता चला है। अब वो कुछ बहुत ही बड़ी चीज़ करने वाले हैं जिससे बहुत लोगों को खुशी होने वाली है, तभी ह्यूगो पकड़ा जाता है। विजुअल्स, सेट्स, सिनेमाटोग्राफी इज ग्रैंड, मार्वलस एंड स्पेक्टेकुलर। सिनेमाटोग्राफर रॉबर्ट रिचर्डसन हैज़ डन अ स्प्लेंडिड जॉब, स्पेशली वन सीन वेयर द ट्रेन एक्सीडेंटली एंटर्स द ट्रेन स्टेशन। इट डजंट स्टॉप, इट गोज थ्रू ट्रैवलर्स, शॉप्स एंड रेस्टोरेंट्स, एंड द होल मेस इज रिकॉर्डेड इन अ ग्रैंड स्केल। There are a few drawbacks of the film, such as slow pacing, confusing parallel storylines, but Martin Scorsese ki film hai bhai, thodi slow hoti hai, still it manages to grab your attention continuously till the end of the film. You will love this film if you love films. I love films a lot. I just adore films. I recommend this movie highly. This movie is a must watch if you really love the art of cinema. Do watch this movie Hugo, available on Netflix. My name is Sushil and I'll meet you with one more recommendation of a classic movie or web series in the next episode. Please like this video if you like this video. Do subscribe to my channel and bye bye for now.